कहना चाहूंगी। स्पीकर का पोस्ट कितना महत्वपूर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी पहले अपने हाथ जला चुकी है। कब? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट की जरूरत थी। विश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां चल रहा था। उस समय स्पीकर ने क्या किया? उस समय स्पीकर ने एक ऐसे व्यक्ति को वोट करने के लिए अलाउ किया जो किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका था, बट उसने लोकसभा की सीट से इस्तीफा नहीं दिया था, बतौर सांसद इस्तीफा नहीं दिया था और देने वाले थे। अब ये स्पीकर के ऊपर है कि वो अलाउ करते हैं नहीं। स्पीकर ने ये फैसला लिया कि वो उनको अलाउ करेंगे, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री जिसने लोकसभा की सीट से इस्तीफा नहीं दिया था, उसके बावजूद उनको वोटिंग के राइट दिए गए और केवल इस एक वोट से अटल गिर गई थी। स्पीकर का रोल इतना महत्वपूर्ण होता है, जो हमने महाराष्ट्र में देखा वैसा महत्वपूर्ण रोल होता है पूनम, जहाँ पर जो कोर्ट है वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका आने वाले बिल्स में किसको मनी बिल करना है, किस चीज के रास्ते से बिल को पारित करवाना है, कैसे विपक्ष को, अगर वो बहुत ज्यादा आक्रामक है तो जाहिर तौर पर उनके पास, स्पीकर के पास पूरे राइट्स है कि वो उनको निष्कासित कर सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्पीकर पे है। तो सरकार किस तरीके से, सरकार की विजय होगी या सरकार के बीच का रास्ता निकलेगा संसद के अंदर, क्योंकि संसद में हो रही कार्यप्रणाली पूरे देश भर में जाती है, पूरे दुनिया भर में जाती है कि संसद में क्या हो रहा है, किस बात को एक्सपेंज करना है, किस बात को हटा देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है विपक्ष ऐसी चीजें बात कर लेता है, अगर वो एक्सपेंज नहीं हुआ तो वो हमेशा सरकार के लिए एक तलवार की तरह होता है। तो स्पीकर के रोल की अगर भूमिका की हम बात करें तो वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और उसी महत्वपूर्ण रोल पर एक बार फिर ओम बिरला पर विश्वास किया गया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीकर के पद के लिए एक बार फिर ओम बिरला पर विश्वास किया, तो शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक बार फिर उन्हीं को रिपीट किया गया। देखिए, यंग थे, 2 बार की सांसद थे जो पिछली बार चुना, इस बार पिछली बार की सांसद है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ। और सरकार को 272 माइनस की स्थिति में एक ऐसी जरूरत थी जो कि ओम बिरला है। बिल्कुल अदिति, और मैं जयती अब आपके साथ जुड़ी हूं। मेरा सवाल ये है अदिति आपसे, क्योंकि ओम बिरला का नाम बार बार सामने आ रहा था और सूत्रों के हवाले से अब जो जानकारी है कि नॉमिनेशन आज 11 बजे फाइल कर देंगे, लेकिन बड़ी खुशखबरी का जो सबब है वो ये भी हो सकता है इस खबर के पीछे कि बीजेपी के स्पीकर कैंडिडेट को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी समर्थन करने की बात अब कह चुकी है। तो ये मानकर चले कि समर्थन जो है, जो बातें सामने आ रही थी कि नहीं एनडीए की इस बार सरकार है तो चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन टीडीपी का समर्थन भी ये कहता है कि हाँ विश्वास है बीजेपी के समर्थन पर, मोदी के समर्थन पर। देखिए, जहाँ तक बात जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की थी तो वो तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने पहले ही सेटल कर लिया। चंद्रबाबू नायडू की जो डिमांड है वो एक अलग तरीके के सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनकी जो डिमांड है वो बेहद अलग है और उन डिमांड्स को जाहिर तौर पर अलायंस में होता है तो फुलफिल किया जाता है और आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि डिमांड भी अलायंस की चंद्रबाबू नायडू की तरफ से थी कि स्पीकर उनका हो या डिप्टी स्पीकर उनका हो। जेडीयू तो पहले दिन से ही सरेंडर था, लेकिन स्थिति को देखते हुए उनको ये समझाया गया होगा कि अगर सरकार चलानी है, बड़े फैसले लेने हैं, चाहे वो आंध्रा के लिए लेने हो, बिहार के लिए लेने हो, या देश के अलग अलग राज्यों के लिए लेने हो, या देश में बड़े फैसले लेने हो, ये तभी संभव हो पाएगा जब स्पीकर स्ट्रांग होगा। और यही दलील के साथ राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, उन्होंने अपने अलायंस से बात करी होगी कि अगर हमें एक बेहतर सरकार चलानी है मिलकर, उसके लिए संसद में सरकार का बेहतर तरीके से चलना अनिवार्य है। आप किसको बोलने देना है, तमाम तरीके की चीजें। और देखिए, कभी भी मैंने ये देखा था कि बहुत बार वॉकआउट हुआ विपक्ष का, बहुत बार विपक्ष नाराज भी हुआ, फिर मैं सडनली देखती थी कि ओम बिरला जो भी लोकसभा स्पीकर थे उनके चैम्बर में एक बैठक होती थी और उसके तुरंत बाद सब कुछ सामान्य हो जाता था। चीजें अप एंड डाउन हुई थी लेकिन मुझे सामान्य हो जाता था। मुझे याद है कि ओम बिरला के कार्यप्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है सभी सांसदों के जन्मदिन पर सुबह 8 बजे उनको फोन करना। और जाहिर तौर पर ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, या उनकी तबीयत या उनके पर्सनल टच रखना, ओम बिरला सुबह 8 बजे, चाहे फिर वो राहुल गांधी का जन्मदिन हो, चाहे फिर वो 543 में से कोई भी सांसद हो, ओम बिरला ने एक नई प्रथा की थी कि कोई सब बोलेंगे, पहले ऐसा होता था कि कई ऐसे सांसद होते थे जो 5 साल निकल जाते थे, लेकिन संसद भवन में ना तो उनको बोलने का मौका मिलता था, ना वो चाहते थे कि वो बोले, और वो परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन ओम बिरला ने आते ही पहली बार के सांसदों को बुलवाया, एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा, ओम बिरला ने आते ही संसद का जो शुरुआती दौर था उसमें 100% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, आपने हमेशा प्रोडक्टिविटी का जिक्र किया होगा, देश में सब प्रोडक्टिविटी का जिक्र करते हैं कि संसद की प्रोडक्टिविटी क्या थी, 100% से ज्यादा की प्रोडक्टिविटी, रात को 10:30-11 बजे तक संसद चलता था, काम होते थे, तो ये भी आपको देखने को मिला। और फिर ये ऐतिहासिक इसलिए नहीं है, पहले भी 1.5 साल का कार्यकाल बढ़ाया हुआ है स्पीकर का, लेकिन ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसी 5 साल में नई संसद भवन का लोकार्पण हुआ, नई संसद भवन बनी, ये जो शिफ्टिंग का काम होता है, 100 साल तक जो संसद भवन रही वहां से दूसरी संसद भवन में प्रवेश होना, बड़े बिलों का अप्रूवल पास होना, ये सब कुछ में ओम बिरला की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और शायद इतिहास में उनका नाम इसलिए तो दर्ज होगा ही कि वो दूसरी बार के लोकसभा स्पीकर हुए, लेकिन इसलिए भी दर्ज होगा कि उनके रहते हुए नई संसद भवन के अंदर प्रवेश किया गया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी आधुनिक भारत के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि प्रोडक्टिविटी का सवाल, एक नए आधुनिक चीजों को इंट्रोड्यूस किया कि ज्यादातर मैक्सिमम स्पीकर को नए सांसद हैं उनको भी बोलने का मौका मिले, नए मुद्दों पर बात हो। लेकिन इस बार की चुनौतियां अलग हैं, उन चुनौतियों से निपटना ओम बिरला के लिए जरूर तौर पर चुनौती होगा। ये कांटों का ताज है, लेकिन कांटों के ताज के लिए जब आलाकमान ने उनको चुना है तो जाहिर तौर पे कुछ देखकर चुना होगा, उनकी कार्यप्रणाली को समझते हुए चुना होगा। ओम बिरला की एक बॉडी लैंग्वेज की बहुत प्रमुख बात है, वो है हमेशा हंसते रहना, हमेशा, जब वो चाहे फिर वो गद्दी पर हो, कुर्सी पर हो, चाहे कुर्सी के बाहर जब वो टहलते हुए आते हैं वो एक उनके चेहरे पर स्माइल होती है, उनसे आप कैसा भी सवाल कर लें, उनसे आप कोई बात कर लें, उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो, या विपक्ष पे किसी नेता का भाषण हो, उनके चेहरे पर स्माइल होती है। बहुत विपरीत स्थितियों में भी उनके चेहरे पर एक स्माइल देखने को मिलती है, और कई बार हम देखते हैं कि वो एक स्माइल बहुत सारी चीजों को कूल डाउन कर देती है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर देती है। तो वही बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें, समझ की बात कर लें, और वही मेहनत की बात कर लें। यहाँ पर ये बात कहना अनिवार्य होगा कि अक्सर संसद में जब शुरुआत में जब उनको पिछली बार जिम्मेदारी दी गई थी, हालांकि पिछली बार हफ्ते भर से पहले उनको बता दिया गया था, और जो ट्रांजिशन, क्योंकि राजस्थान के लोग बेहतर तरीके समझते हैं कि 2019 से पहले वाले ओम बिरला और आज 2024 के ओम बिरला में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने अपने आप में बड़ी तब्दीलियां, बड़े बदलाव किए हैं और राजस्थान की जनता कह लें, राजस्थान के नेता, भाजपा, कांग्रेस, किसी की भी बात कर लें, वो बेहतर तरीके समझते हैं कि ओम बिरला ने अपने आप के अंदर किस तरीके के बदलाव किए हैं, चाहे फिर वो संसद कार्यप्रणाली की किताबें पढ़कर उस काम को समझकर, चाहे फिर वो पूरी बॉडी लैंग्वेज या सबको साथ लेकर चलने को लेकर। तो ये सारे बदलावों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि एक बार फिर अभी 1 घंटे का समय है जब ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, भारतीय संसद यानी दुनिया की सबसे बड़े, सबसे जीवंत लोकतंत्र का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट और कुछ नहीं, एक कमाल का मिक्सचर है पॉलिटिक्स का और मैथमेटिक्स का। और ये पूरी मैथमेटिक्स या यूं समझ लीजिए कि अंक गणित घूमती है एक ही मैजिकल नंबर के इर्द गिर्द, जो है 262। और इस बार जैसा मैंने कहा 262, 200 माइनस, अब ये जादुई आंकड़ा जो है इस पर ही टिकी होती है यहाँ के अंदर का कैसे काम होगा, क्योंकि इस बार 272 माइनस 6, ऐसे में इस मैजिकल नंबर की मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द रहेगा स्ट्रेस, प्रेशर, विपक्ष का प्रेशर, और इस प्रेशर को झेलने के लिए चुना गया है। अदिति, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ जी इस समय जुड़ के। राजेंद्र जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया में सर आपका। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी इस समय यही दर्शक देख रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर प्रकरण अब लगभग खुल चुका है, एक बार फिर से जो सहमति है वो ओम बिरला जी के नाम पर बनी है। इसकी जानकारी है सर आपको, और क्या अपडेट इसको लेकर के देना चाहेंगे दर्शकों को? हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ओम बिरला को सदार्थ करने का मौका मिले, ये राजस्थान के गर्व की बात है। ये हिंदुस्तान संसदीय इतिहास के अंदर जिस प्रकार का संचालन उन्होंने पिछली लोकसभा में किया वह अद्वितीय था। प्रोडक्टिविटी में लोकसभा के सर्वाधिक घंटे काम अगर हुआ है आजादी के बाद तो बिरला जी की अध्यक्षता में हुआ। निश्चित तौर पर बिरला जी का चयन हिंदुस्तान की संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने वाले व्यक्ति का चयन है, राजस्थान का गौरव है और हमारे मित्र का चयन हो रहा है, इसलिए हम भी गौरवान्वित हैं। बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला विषय राजस्थान के लिहाज से तो है राजेंद्र जी, लेकिन क्योंकि अनुभवों के आधार पर काफी कुछ उन्होंने क्षेत्र के लिए भी किया, जनता के लिए भी किया, राजस्थान से भी जुड़े रहे, तो आने वाले समय में ये मानकर चले कि राजस्थान और ज्यादा विकास के पथ पर बढ़ेगा, क्योंकि सरकार भी अब आपके, केंद्र में भी अब आप और स्पीकर भी यहीं से। जब उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दो बड़े पदों पर राजस्थान के लोग आसीन होंगे और राजस्थान के अंदर भी एक आम व्यक्ति का मुख्यमंत्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे, तीनों का तालमेल राजस्थान के विकास को पंख लगा देगा। राजस्थान की पैरवाई करने के लिए जब इतने बड़ी शख्सियत होंगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान के माथे से पिछड़ापन का कलंक हर हालत में हट जाएगा। ये आम राजस्थानियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बन रहे हैं। अच्छा राजेंद्र जी, एक और सवाल बता दीजिए, एनडीए के बाहर के भी कुछ लोग समर्थन की बात कह रहे हैं, तो क्या मानकर चले कि जो बातें कही जा रही थी कि इतिहास के बाद में विपक्ष भी अब अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगा, वो यहाँ पर नाकाफी होगा वो स्टैंड रखना, ओम बिरला का नाम अगर सामने आता है तो सर्वसम्मति से एक बार फिर से ये जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी? निश्चित तौर पर ये परंपरा रही है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अध्यक्ष सबका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होता। और ओम बिरला जी के पिछले कार्यकाल के अंदर प्रतिपक्ष को उन्होंने भरपूर मौका दिया बोलने का, अपनी बात कहने का, इसलिए मैं नहीं समझता कि प्रतिपक्ष के लोग भी कोई उम्मीदवार खड़े होंगे करेंगे, सर्वसम्मति ही ओम बिरला जी का चयन होगा। ठीक है राजेंद्र जी, शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वो कह रहे हैं और इस बात पर उन्होंने देखिए जिक्र करते हुए ये भी स्वीकार किया कि ओम बिरला क्योंकि अनुभवों के आधार पर बहुत ज्यादा लाभ मिला है और सिर्फ लोकसभा स्पीकर के तौर पर ही नहीं, जब राजस्थान से वो आते हैं तो राजस्थान में जब जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं ओम बिरला तो लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं, जनसुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। लेकिन बात जब हम संसद की करते हैं और संसद की कार्यप्रणाली की करते हैं, ये बात लगभग 15 दिन पहले लगभग लोगों के सामने आने लगी थी और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी लोगों को भनक के तौर पर लगने लगी थी, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह ना मिलना, ओम बिरला एक बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के विश्वासप्रद भी, लेकिन जब संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद को संभाला, उसके बाद जब मंत्रिमंडल में नाम नहीं था तो ये लग रहा था कि अब जिम्मेदारी कुछ और होगी, लेकिन जिम्मेदारी होगी ये तय था, जिम्मेदारी बड़ी होगी ये भी तय था, लेकिन अब फर्स्ट इंडिया पर क्योंकि फर्स्ट इंडिया का ये संकेत लगातार दर्शक इसको लेकर देख भी रहे थे और जानकारी भी थी कि लोकसभा स्पीकर प्रकरण अब लगभग सुलझ चुका है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम सामने रख देंगे तब ये पूरी तरह से सुलझ चुका होगा। आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे ओम बिरला। 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो गया, 26 जून को अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव, लेकिन इसी बीच नॉमिनेशन फाइल की अगर बात करें तो नॉमिनेशन आज ही ओम बिरला एक बार फिर से अपना फाइल करने वाले हैं और सूत्रों की माने तो ये बड़ी खबर सबसे ज्यादा इसीलिए हो जाती है क्योंकि ओम बिरला को ही एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बनाने की तैयारी हो रही है। एनडीए की ओर से ओम बिरला को ही लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा, ये जानकारी इसीलिए ज्यादा अब इस जानकारी को बल मिला है क्योंकि इस जानकारी पर खुलकर बात करना अभी 11 बजे से पहले बहुत ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर बात की जा रही है और बात करना ही ये दिखाता है, ये दर्शाता है, ये संकेत है कि ओम बिरला का अनुभव एक बार फिर से संसद में नजर आएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह क्योंकि एनडीए की सरकार इस बार है और कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि एनडीए का किस तरह से जो घटक दल है उनका समर्थन मिलता है, घटक दल क्या इस पर करते हैं, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी वो ये है कि टीडीपी ने भी ऐलान कर दिया है कि भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी और नजर अब इस बात पर है कि विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड होता है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी आक्रामक मोड में है। विपक्ष के स्टैंड को लेकर के जानकारी जब सामने आएगी तो रोचक ज्यादा हो जाएगा। क्या संसदीय कार्यप्रणाली और परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वसम्मति के साथ ओम बिरला एक बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्योंकि ज्यादा चांसेस उसी के नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि पहले कहा जा रहा था कि विपक्ष भी लोकसभा पद के लिए एक उम्मीदवार बनाएगा। लेकिन जानकारी अब सामने आ रही, क्योंकि देखिए जिस तरह का व्यक्तित्व ओम बिरला का रहा और जब जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए उन्हें हमने कार्य करते हुए भी देखा, मीडिया के साथ भली उनका इंटरैक्टिव नेचर हो या फिर बात हो उनकी कार्यप्रणाली की, बात हो अपने क्षेत्र के दौरे की, बात हो संसद को ठीक से चलाने की बात हो, स्ट्रिक्टनेस की, जहां पर मजबूत रहना है वहां पर मजबूत, जहां पर सॉफ्ट वहां पर सॉफ्ट, जहां पर स्ट्रेच वहां पर संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्ट भी होते हुए ओम बिरला हमें नजर आए। तो इस बात की संभावनाएं कितनी है ये समय बताएगा कि विपक्ष का स्टैंड क्या होता है। क्या विपक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपने प्रत्याशी को उतारेगा या फिर आजादी के बाद से जो परंपरा चली आ रही है अब तक कि सर्वसम्मति से जो लोकसभा अध्यक्ष उनका चुनाव होता है, उसके बाद ओम बिरला का एक बार फिर से नाम आना। हालांकि इस बीच नाम कई सारे सामने आए, लेकिन जब शपथ ग्रहण के समय मंत्रिमंडल में नाम नहीं आया ओम बिरला का, तब ये संभावनाएं बढ़ गई थी कि जिम्मेदारी यकीनन एक बड़ी फिर से मिलने वाली है। अगर जानकारी आपको दे तो ओम बिरला राजस्थान से आते हैं। राजस्थान की धरा में 2024 में एक बार फिर से हाल ही में कोटा बूंदी सीट से वो सांसद चुने गए हैं भारी बहुमत के साथ, और छात्र राजनीति से उन्होंने राजनीति में कदम रखी। 1978 में छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर जीत दर्ज की और उसके बाद अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजकीय विद्यालय गुमानपुरा में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। ये जीवनी अब तक का अनुभव और अनुभवों का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटा के जिलाध्यक्ष भी रहे, इसलिए कोटा बूंदी की हर एक समस्या को बारीकी से समझते हैं। बीजेवाईएम राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भी ओम बिरला रह चुके हैं। ये अब तक की उनकी जो अचीवमेंट्स है उनकी फहरिस्त है। लगातार 6 सालों तक बीजेवाईएम प्रदेशाध्यक्ष के पद पर ओम बिरला ने काम किया। ओम बिरला ही होंगे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी। बीजेवाईएम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ओम बिरला, और जब प्रधानमंत्री उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे बात आगे और ज्यादा स्पष्ट होगी। 2003 की अगर बात करें तो पहला चुनाव और उसके बाद लगातार कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक के तौर पर उनकी जीत होती रही। ओम बिरला की और बात करें तो कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को 2003 में उन्होंने शिकस्त दी। इसके अलावा दूसरों की बात करें तो 2008 में एक बार फिर से इस सीट पर विधायक वो चुने गए। 26 जून जिसका इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और अगर